हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगी विंटर स्किन केयर। आप मॉर्निंग या फिर इवनिंग में फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, ये सारे प्रोडक्ट मिला के आपको 300 के अंदर आ जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा बजट फ्रेंडली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है क्लींजर। क्लींजर के लिए मैंने ले लिया है हिमालया फेस वॉश। ये फेस वॉश आपको 15 रुपीज़ में मिल जाएगा। बहुत अच्छा है फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन पीपल, कम्बिनेशन स्किन पीपल, इवन सेंसिटिव स्किन पीपल भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप हनी बेस्ड कोई भी फेस वॉश ले सकते हो। बायोटिक का भी बहुत अच्छा होते हैं और अफोर्डेबल भी होता है। बहुत अच्छे से थोड़ा सा वाटर लेके सर्कुलर मोशन में मसाज करो ताकि आपके पोर से जो भी डर्ट है, गंदगी है, वो रिमूव हो जाए। फ्रेंड्स, आपको दिन में सिर्फ 2 ही बार फेस को वॉश करना है। ज्यादा वॉश करने से विंटर में स्किन ड्राई हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी फेस वॉश करके आ गई। अब देख सकते हो मेरी स्किन कितना ज्यादा फ्रेश लग रहा है। तो अच्छे से अगर आप फेस वॉश नहीं करोगे कोई भी प्रोडक्ट आपके ऊपर काम नहीं करेगा। एंड गाइस, ऑलवेज फेस के लिए डिफरेंट सेपरेट टॉवल यूज़ कीजिए जो कि क्लीन होना चाहिए। इससे आपके चेहरे पे बहुत अच्छा फर्क नज़र में आता है। नेक्स्ट स्टेप है फेस पैक। फेस पैक के लिए मैंने ले लिया है 1 स्पून बेसन, उसके साथ 1 स्पून नीम पाउडर। नीम पाउडर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है टू ट्रीट एक्ने। जिन लोगों का ब्रेकआउट्स है उन लोगों के लिए स्किन केयर बहुत अच्छा होने वाला है। आपको ऐड करना पड़ेगा 1/2 स्पून हनी, यानी कि शहद बहुत अच्छा होते हैं, हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, साथ में इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होते हैं जो ब्रेकआउट्स को रोकता है, पिंपल एक्ने को रिड्यूस करते हैं, ब्लेमिश को दूर करते हैं। एंड बेसन डीप क्लीन करेगा, साथ में स्किन को, स्किन पोर्स को भी क्लीन करेगा। एंड स्किन के ऊपर अच्छा इफेक्ट, ग्लोइंग इफेक्ट लाने के लिए बेसन बहुत अच्छा होता है। एंड जो नीम है वो हमारे स्किन से सारे इम्प्योरिटीज़, जो एक्ने पिंपल है उसको ड्राई आउट करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा बैक्टीरियल फॉर्मेशन को। सो ऐसे कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। ये मिक्सचर को आप वीकली ट्वाइस यूज़ करो, आपको बेस्ट 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 रिजल्ट्स मिलेगा। कोई भी टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस, आपको इसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा आप रखोगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो फाइन लाइन्स रिंकल आ जाएगा। सो 10 मिनट्स इज़ ओके। अगर आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप पिंपल है, एक्ने है, सिस्टिक एक्ने होता है, जो पेनफुल एक्ने होता है, वो उसके ऊपर आप अप्लाई करके भी रख सकते हो। एंड मैं यहाँ में पूरा फेस में अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहा है और बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहा है क्योंकि ये विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है। सीजनल चेंज के वजह से मेरे स्किन पे थोड़ा सा ब्रेकआउट्स हुआ है, तो मैंने पूरा फेस में ही अप्लाई कर रही हूँ। 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं रखूँगी। नाउ मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपको एक्ने पिंपल का इश्यू चला जाएगा। एंड गाइस, विंटर के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ ऑयली स्किन पीपल के लिए, ओवर एक्सफोलिएट मत करो। ओवर एक्सफोलिएशन से आपके स्किन में और भी नुकसान हो सकते हैं, ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो जाएगा, आपके स्किन बहुत ज़्यादा, आपकी स्किन में रिंकल्स, फाइन लाइंस ज़्यादा आ जाएगा। सो गाइस, बिल्कुल भी मत करना ओवर एक्सफोलिएट। आप वीकली 1 कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ स्टीम ले सकते हो। देन गाइस, आपको क्या करना है, सेपरेट टॉवल यूज़ करना है एंड पिलो कवर चेंज करना है वीकली 2। एंड गाइस, 10 मिनट्स हो गए हैं, मेरे फेस पैक ऑलमोस्ट ड्राई हो गया। अब देख सकते हो मैंने फेस को वॉश करके, अच्छे से वॉश करके आ गई। नाउ मैं अप्लाई करूँगी टोनर। टोनर के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ रोज़ वाटर। अगर आपके पास दूसरा कोई टोनर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। रोज़ वाटर हमारे स्किन में बहुत अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, पीएच बैलेंस को मेंटेन करते हैं, साथ में हमारे पिंपल एक्ने का प्रॉब्लम को भी ठीक करते हैं। एंड फ्रेंड्स, टोनर को सेट होने के लिए 2 मिनट्स टाइम चाहिए। नाउ आई एम अप्लाइंग एलोवेरा जेल। गाइस, we all know how beneficial aloe vera gel is for our oily acne prone skin. And guys, हमारे स्किन जब सेंसिटिव हो जाते हैं, इरीटेशन होता है, उसको बहुत अच्छे से सूट करते हैं, काम डाउन करते हैं स्किन को। सो मार्केट में बहुत सारा कीका बेस्ट जेल मिलता है, तो उससे अफोर्डेबल ड्यूप है ये aloe vera gel। अब ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो aloe vera gel को भी सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, 2 to 3 minutes बाद। आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको रात के लिए दिखा रही हूँ, रात में अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं रात में मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी। अगर आप बाहर जा रहे हो मॉर्निंग में, ये प्रोसीड्योर फॉलो कर रहे हो, तो आप सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना। एंड बहुत अच्छे से आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना है ताकि हमारे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाए, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करे और प्लम्पीनेस आ जाए स्किन में, एंड रिंकल्स का प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से रिड्यूस होता है मसाज के द्वारा।
एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरी स्किन कितना ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ लग रहा है। आप ज़रूर ये फॉर्मूला फॉलो करो टू गेट रिड ऑफ योर एक्ने पिंपल इशू। अगर आप 1 वीक के लिए फॉलो करोगे, नेक्स्ट वीक आप खुद ही ये ट्राई करोगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो विंटर में जिन लोगों का ब्रेकआउट्स एक्ने पिंपल है, जिन लोगों का स्किन टाइप नॉर्मल टू ऑयली कम्बिनेशन या फिर सेंसिटिव है, ज़रूर फॉलो करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड गाइस, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ऑल प्रोडक्ट्स अंडर बजट आपको आ जाएगा। एंड मैं ये सनस्क्रीन रिकमेंड कर रही हूँ डॉटन की का कीका वाला जो सनस्क्रीन होता है, बहुत अच्छा होता है टू प्रिवेंट योर ब्रेकआउट्स। जिन लोगों का बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं, उन लोगों के लिए मस्ट हैव है। सो ज़रूर ट्राई करना। दिन में, रात में अप्लाई कर रही हूँ वैसलीन। अगर दिन में आप अप्लाई करना चाहते हो कोई लिप बाम, तो SPF बेस्ट ले लो। एंड मैं वैसलीन अपने आईलैश, आईब्रोज, इवन माई आईज़ के अराउंड भी अप्लाई करती हूँ टू रिड्यूस माई डार्क सर्किल। इट विल वर्क लाइक वंडर, सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई। एंड ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 5 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा कोई भी स्टोर में। सो आप ज़रूर फॉलो करो। एंड मेरे जो वीडियो है वैसलीन के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो। आई विल पुट द लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज़रूर चेक करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक द वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।